Now, let us start our next topic in the Rankine cycle. The topic is how we can increase the Rankine cycle efficiency. How we can increase the Rankine cycle efficiency. What are the methods to increase the Rankine cycle efficiency? So, we discuss one by one. What are the various methods to increase the Rankine cycle efficiency? The method first is by decreasing the condenser pressure. So first of all, I would like to say, if you not see my previous video in the Rankine cycle, please go for it and then come in this lecture so that you can better understand what I am going to tell. ओके तो जो लोग अपना ये पीछे का वीडियो नहीं देखा है, पहले का वीडियो नहीं देखा है, तो उसको Rankine cycle को उसको देख लें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखें, ताकि वहां पे मैंने बेसिक्स क्लियर किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है. तो हियर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑन द Rankine cycle एफिशियंसी. ओके, एफिशियंसी of any cycle, efficiency of any cycle is depend on two parameters only, as in the previous case. The first parameter is mean temperature of heat addition and mean temperature of heat rejection. To increase the efficiency, mean temperature of heat addition must be increased and mean temperature of heat rejection should be decreased. So whatever the modification, our objective is basically to increase the mean temperature of heat addition or to reduce the mean temperature of heat rejection. जितने भी आप modification करेंगे उसमें basically हमारा जो objective रहेगा वो efficiency को बढ़ाना है. और efficiency को बढ़ाने के लिए या तो हम मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को इंक्रीज करेंगे या कि हम मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन को रिड्यूस करेंगे, ठीक है. तो पहला जो मॉडिफिकेशन है, द फर्स्ट मॉडिफिकेशन इज द डिक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर. डिक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर इन दिस साइकिल यू कैन क्लियरली सी, दिस इज द बेसिक साइकिल 1, 2, 3 एंड 4. 1, 2, 3 and 4 are the basic cycle. 1, 2, 3 and 4 means without changing any performance parameters. Now, what we do? We reduce the pressure of the exit of the turbine, means at the condenser side. And the next cycle is 1-, 2-, 3 and 4-. Here you can see clearly we reduce the pressure and hence saturation temperature from 0.4 to 4-. So 1, 2, 3, 4 is the basic cycle. Basic cycle and 1-, 2-, 3 and 4 are the 3 and 4-, is the modified cycle in which we decrease the condenser pressure. Decrease the condenser side pressure. Condenser pressure. Okay. So, what are the effects by decreasing the condenser pressure? देखिए, 1, 2, 3, 4 जो साइकिल है वो पहले साइकिल थी. अब हमने दूसरी साइकिल इस पर ड्रॉ करी 1, 2-, 3 एंड 4-. इसमें आप देखिए पहले 0.4 पे था, अब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया अप टू 4-, मतलब जो टर्बाइन का एक्सपेंशन है वो हमने बढ़ा दिया. इससे क्या हो गया, कंडेंसर साइड का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया. देखिए यहाँ सेचुरेशन टेम्परेचर कम हो गया ना, सेचुरेशन टेम्परेचर कम हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग सेचुरेशन प्रेशर भी कम हो जाएगा, ठीक है. तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो देखिए बेसिकली पहले जो हीट का रिजेक्शन हो रहा था वो 4-1 हो रहा था, और अब जो हीट का रिजेक्शन हो रहा है, जो नेक्स्ट जो
हम आफ्टर द डिक्रीजिंग द कंडेंसर साइड प्रेशर वो 4:1 हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हीट का जो रिजेक्शन है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन हियर, लेट्स से दिस इज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन फर्स्ट एंड दिस इज द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन सेकेंड। तो आप यहाँ पे देखेंगे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन ऑफ सेकेंड इज लेस देन मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन ऑफ फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो अगर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन रिड्यूस होगा तो जो आपकी इफिशियंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आप यहाँ पे देखिए मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन में क्या इफेक्ट आ रहा है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन में पहले जो हीट का एडिशन हो रहा था वो 2 से 3 तक हो रहा था, और अब क्या हो रहा है, 2-3 तक हो रहा है, फ्रॉम 2-3। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फर्स्ट कंडीशन से 2 से 3 उसमें आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन मींस 1 to 2, 2 to 3 इज ग्रेटर देन मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ऑफ द सेकेंड कंडीशन मीन्स 2-3। बात समझ में आई। तो यहां पर मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन भी डिक्रीज हो रहा है और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन भी डिक्रीज हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहां पर देखिए मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन सडन डिक्रीज हो रहा है और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन सडन डिक्रीज हो रहा है और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन 2-2 इज ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब डिक्रीज इन मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन इज मोर देन डिक्रीज इन द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला इफेक्ट प्रीडोमिनेंट होगा, और अगर ये वाला इफेक्ट प्रीडोमिनेंट है तो इफिशियंसी आपकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आ रही होगी, एक बार फिर से समझ लीजिए, इफिशियंसी बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ज्यादा होना चाहिए, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन कम होना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन डिक्रीज हो रहा है, दैट इज अनफेवरेबल, एंड मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन भी डिक्रीज हो गया, दैट इज फेवरेबल कंडीशन टू इंक्रीज द इफिशियंसी, ठीक है। लेकिन मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, तो जो फेवरेबल कंडीशन है इफिशियंसी को बढ़ने के लिए वो सपोर्ट कर रही है कि आपका जो इफिशियंसी है वो प्रेशर घटाने पर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है, डिक्रीज इन द कंडेंसर प्रेशर शुड इंक्रीज द इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या हो जाती है बच्चे, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है बाय डिक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर। तो दिस इज द वन ऑफ द मेथड थ्रू विच वी कैन इंप्रूव द इफिशियंसी, बट देयर इज सम लिमिटेशन। यहां पर कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी हम बात करेंगे कि हमारे पास एक लिमिट है कि हम इससे ज्यादा कंडेंसर का प्रेशर, सपोज आप कहिए कि अगर इफिशियंसी बढ़ रही है तो इस 4 को तो हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, 4 सर और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, इफिशियंसी और बढ़ जाएगी, इस टेम्परेचर को हम कितना भी घटा सकते हैं, इस टेम्परेचर को हम यहां से यहां लाए और भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन है कि कितना हम प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहली लिमिटेशन है वो है एयर लीकेज की। मतलब ये है कि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर को रिड्यूस कर दोगे, है ना, साइकिल में, तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर, साइकिल के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर का प्रेशर ज्यादा है, इससे क्या होगा, बाहर की जो एयर है वो इनसाइड द कंडेंसर लीक करेगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, इफ पी एटमोस्फियर इज ग्रेटर देन पी कंडेंसर, बहुत ज्यादा है, अगर कुछ थोड़ा बहुत वैक्यूम है तो चलेगा क्योंकि दिस इज द क्लोज साइकिल, अगर बहुत ज्यादा हम इसको कंडेंसर के प्रेशर को कम कर देंगे तो बहुत ज्यादा वैक्यूम हो जाएगा, तो एनवायरमेंट प्रेशर बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू द कंडेंसर प्रेशर। इसकी वजह से क्या होगा, आउटसाइड एयर रशेस इनसाइड द कंडेंसर,
outside air rushes inside the condenser. Outside air enter into the condenser. And this is basically a disadvantage of reducing the pressure. अगर air leakage हो जाएगा तो बेटा air की जो conductivity होती है वो कम होती है, ठीक है. That's why it affects the condenser performance. कंडेंसर का जो हीट ट्रांसफर होगा वो घटेगा, डिक्रीज हो जाएगा अगर एयर लीकेज होगी तो, ठीक है. जो सेकंड आपका डिसएडवांटेज है और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस मेथड का, डिक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर इज द मेथड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, बट वी टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ द डिक्रीज इन द कंडेंसर प्रेशर. तो सेकेंड जो लिमिटेशन है वो है मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो जाता है. आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जब हमने कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज नहीं किया था तो 0.4 पे था, ये 0.4 यहां पे था. ये कौन सा पॉइंट है? दिस इज द सैचुरेटेड वेपर कंडीशन. दिस इज द सैचुरेटेड वेपर कंडीशन. अगर आप फर्दर डिक्रीज करते हो प्रेशर, इफ यू रिड्यूस फर्दर प्रेशर, देन व्हाट हैपेंड, देन व्हाट हैपेंड, देन द मॉइस्चर कंटेंट, सी you make a distance from the saturated vapor line so that the moisture content is increased. अगर आप इसमें ऐसा करोगे कि प्रेशर डिक्रीज करते जाओगे तो क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट. देखिए यहाँ पे सेचुरेटेड वेपर है, जैसे ही आप नीचे आए तो आपको यहाँ पे सेचुरेटेड वेपर नहीं बल्कि लिक्विड और वेपर का मिक्सचर मिला. आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो इस सेचुरेटेड वेपर लाइन से आप दूर जाते जा रहे हो. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप प्रेशर घटा रहे हो वैसे वैसे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है. और मॉइस्चर कंटेंट का बेटा इफेक्ट मैंने बताया था कि अगर मॉइस्चर कंटेंट होंगे दैट विल इरोड द टर्बाइन ब्लेड्स, दैट विल इरोड द टर्बाइन ब्लेड्स. हेंस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन. And you have to remember this limitation of decrease in the condenser pressure. Of course, decrease in the condenser pressure increase the efficiency, but here are the some limitation. The first limitation is air leakage. If you reduce the pressure of certain limit inside the condenser, then there is a chance to air rushes inside the condenser. And the second is the मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज. मॉइस्चर कंटेंट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है डिक्रीज इन द कंडेंसर बाय डिक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर. और इसका जो थर्ड डिसएडवांटेज है, मे लिमिट्स द हीट एक्सचेंज ऑफ द कंडेंसर. व्हाट इज द मीनिंग? देखो बच्चों, कंडेंसर कैसे वर्क करता है. कंडेंसर में क्या होता है, वाटर होता है जो कि एज अ कूलिंग एजेंट काम करता है. जब यहाँ से स्टीम आती है तो उससे हीट एक्सचेंज करता है और स्टीम को कूल कर देता है. स्टीम कंडेंस हो जाती है और वाटर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. अब आप देखिए, आप बेसिकली यहाँ पे स्टीम के साथ क्या कर रहे हो, आप स्टीम का प्रेशर रिड्यूस कर रहे हो 4 to 4 dash. जैसे जैसे आप स्टीम का प्रेशर रिड्यूस करोगे 4 to 4 dash, होगा ये कि उसके साथ साथ सेचुरेशन टेम्परेचर भी रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है. तो मान लीजिए कि आपका जो वाटर है वो 25 डिग्री सेल्सियस में, फॉर एग्जांपल आपका जो वाटर है वो 25 डिग्री सेल्सियस में, जो कि कूलिंग वाटर है जहां जिसके थ्रू आपको स्टीम को कूल करना है, और आपने इसका प्रेशर इतना रिड्यूस कर दिया, इसके साथ साथ जो टेम्परेचर भी इतना रिड्यूस हो गया कि जो आपकी स्टीम है वो आ गई 24 डिग्री सेल्सियस में. हो सकता है ना कि अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा इसको एक्सपेंड कर दिया तो क्या हो जाएगा, स्टीम आ जाएगी 24 डिग्री सेल्सियस में और वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस में. बात समझ में आ रही है? स्टीम हो गई 24 में और वाटर आ गया, तो आप हीट एक्सचेंज कैसे कराओगे? तब कैसे हीट एक्सचेंज होगी, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर तो अब वाटर के टेम्परेचर से आपका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है. तो हीट एक्सचेंज फ्रॉम द स्टीम टू द कूलिंग वाटर नहीं हो पाएगा, इसीलिए आफ्टर सर्टेन लिमिट हम एक्सपेंशन नहीं करते हैं.
क्योंकि इससे आपका जो कूलिंग वाटर है जिससे आपको कूलिंग करनी है उसके सेचुरेशन टेम्परेचर को हम देखते हैं. व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग मीडियम बियॉन्ड विच वी कैन नॉट एक्सटेंड द प्रेशर बियॉन्ड विच वी कैन नॉट लोअर द प्रेशर एंड हेंस सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ द स्टीम. बात समझ में आ गई. तो तीन लिमिटेशंस हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना इन डिक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर. ठीक है, ऑफ कोर्स डिक्रीज इन द कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज द एफिशिएंसी, बट देयर आर द थ्री लिमिटेशन. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन. व्हाट कुड बी द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इन द रैंकाइन साइकिल. तो पहला मॉडिफिकेशन हमने पढ़ा डिक्रीज इन द कंडेंसर प्रेशर, और अब हम नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं विच इज सुपर हीटिंग ऑफ द स्टीम. सुपर हीटिंग ऑफ द स्टीम. वॉट इज सुपर हीटिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट द सुपर हीटिंग. देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट व्हाट वी डू. सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे इफिशियंसी को बढ़ाना है. ठीक है, पहले भी हम बता दिया है कि इफिशियंसी को बढ़ाने का जो तरीका है वो सिर्फ दो ही है, या तो आप मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ा दो या तो आप मेन टेम्परेचर ऑफ हीट रिडक्शन को कम कर दो. तो जो भी मॉडिफिकेशन हम करेंगे इन्हीं दो पैरामीटर्स को ध्यान में रख के करेंगे. ठीक है, यहाँ भी यही पैरामीटर काम कर रहे हैं. बेसिकली जो बेसिक साइकिल थी आपकी 1, 2, 3, 4 ये वाली साइकिल 1, 2, 3 एंड 4 दिस इज द साइकिल. अब हमने क्या किया, सुपर हीटिंग कर दी. ठीक है, यानी कि जो कंडीशन टरबाइन के एग्जिट में हमने क्या लगा दिया, एक सुपर हीटर लगा दिया, एक्स्ट्रा सुपर हीटिंग कर दी. ठीक है, और पॉइंट को 3 से 3' तक एक्सटेंड कर दिया. तो नाउ जो साइकिल जो आई अब मॉडिफाइड करने के बाद 1, 2, 3' एंड 4' दिस इज मॉडिफाइड. तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि पहले हीट का एडिशन 2 to 3 हो रहा था. क्लियर है, द फर्स्ट इज द हीट एडिशन फ्रॉम 2 to 3, और अब हीट का एडिशन कहां से कहां तक हो रहा है, 2 से 3' तक हो रहा है. ठीक है, T3' इज ग्रेटर देन T3. तो मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन किसका ज्यादा होगा, जो आपका मॉडिफाइड है. ठीक है ना, क्योंकि अब 3' तक आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ जाएगा इन द सुपर हीटिंग. ठीक है, दैट विल इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द साइकिल. तो बेसिकली इन द सुपर हीटिंग वी इंक्रीज द टेम्परेचर एट द एग्जिट ऑफ द बॉयलर और एट द इनलेट ऑफ द टर्बाइन बाई विच वी इंक्रीज द मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन. देखिए टी हीट एडिशन मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एट 2 to 3 इज लेस देन मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन एट 2 to 3'. बात समझ में आई. ठीक है, तो ये इसका मेन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन ज्यादा है, इस वजह से जो इफिशियंसी होगी वो आफ्टर सुपर हीटिंग, मतलब जितना ज्यादा हम सुपर हीटिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी इफिशियंसी उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी. और इसका जो दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है सुपर हीटिंग का, एडवांटेज पहली चीज तो यही है कि आपकी इफिशियंसी इंक्रीज होगी. जो सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, देखिए पहले वाले केस को मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूं सो दैट यू कैन क्लियर. पहले हम क्या कर रहे थे, जब डिक्रीज इन द कंडेंसर प्रेशर की जब हम बात कर रहे थे तो हमने जैसे डिक्रीज किया आप देखिए 4 to 4' तो मॉइस्चर कंटेंट क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस बाय डिक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं बाय सुपर हीटिंग. आप देखिए पहले क्या था, एक्सपेंशन वो था, बेसिक अगर साइकिल की आप बात करें तो एक्सपेंशन है 3 to 4. ठीक है, लेकिन आफ्टर सुपर हीटिंग जो एक्सपेंशन हो रहा है 3 to 4' हो रहा है. तो बताइए मॉइस्चर कंटेंट 4' में ज्यादा होगा या मॉइस्चर कंटेंट 4 में ज्यादा होगा. ऑफ कोर्स मॉइस्चर कंटेंट इन द 4'
लेस देन द मॉइस्चर कंटेंट इन द फोर. अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात करें तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ फोर डैश इज ग्रेटर देन ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ, यानी कि फोर डैश की जो स्ट्रीम है वो ज्यादा ड्राई है, मतलब जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम है. ठीक है, तो आफ्टर सुपर हीटिंग क्या होता है, एक्सपेंशन में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाते हैं. दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ द सुपर हीटिंग. तो सुपर हीटिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो यही है. ठीक है, ये मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर देता है. ठीक है, बात समझ में आ रही है ना. और ऑफ कोर्स एफिशिएंसी तो इंक्रीज करता ही है, लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है. ठीक है, कि आप सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड आप सुपर हीटिंग नहीं कर सकते. मतलब आप आपका एफिशिएंसी बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप इस पॉइंट को 3SS 3SSS ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो अपने मन से. नहीं, देयर इज सम लिमिटेशंस. क्यों लिमिटेशंस लगाई गई हैं? लिमिटेशन इसलिए लगाई गई है, देयर इज सम मेटलर्जिकल लिमिट्स. ठीक है, टरबाइन का जो मटेरियल होता है उसकी कुछ लिमिट है कि वो इससे ज्यादा टेम्परेचर बियर नहीं कर पाएगा. ठीक है, प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे डाटा दिखा देता हूँ. प्रैक्टिकली जो डाटा है अभी तक, जो टरबाइन का इनलेट टेम्परेचर है 620 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा नहीं. ठीक है, बहुत सारे नए नए मटेरियल्स आ रहे हैं. ठीक है, अभी फिलहाल सिरेमिक्स में काम चल रहा है. इंटीरियर जो कोटिंग की जाती है वो सिरेमिक्स की जाती है टरबाइन में, सो दैट इट कैन बियर मोर टेम्परेचर. ठीक है, 620 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हम सुपर हीटिंग नहीं कर सकते. बात समझ में आई नहीं? तो इसकी भी लिमिटेशंस है. ठीक है, लेकिन अफकोर्स अगर सुपर हीटिंग जितनी भी की जा सकती है दैट विल बी द बेनिफिशियल फॉर अस. ठीक है, इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एज वेल एज इट रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट. ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन. द मॉडिफिकेशन इज इंक्रीज इन द बॉयलर प्रेशर. इंक्रीज इन द बॉयलर प्रेशर. What are the effect of the increase of in the boiler pressure in the efficiency of the Rankine cycle? ठीक है, तो basically फिर से मैं बार बार बात कर रहा हूँ, हमारा efficiency बढ़ेगा जब हम mean temperature of heat addition को increase करेंगे और mean temperature of heat rejection को reduce करेंगे. तो यहाँ पर basically हम क्या करने वाले हैं, boiler जगह का जो pressure, initial pressure था, ठीक है, उससे हम increase कर देंगे और उसके बाद इफेक्ट को एनालाइज करें. ठीक है, बहुत सिंपल है. तो जो बेसिक साइकिल है आपकी, आप यहाँ पे देख सकते हो साइकिल में 1, 2, 3 एंड 4 1, 2, 3 एंड 4 दिस इज द बेसिक. एंड आफ्टर मॉडिफिकेशन वी इंक्रीज द प्रेशर. यू कैन सी हियर 1 to 2 डैश हियर टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर इज इंक्रीज. दिस इज द कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन. This is the constant pressure line. Okay? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो constant pressure line से मैंने pressure को बढ़ा दिया. ठीक है, तो new जो cycle है वो 1, 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश. Basically यहाँ पर जो pressure है वो मैंने increase कर दिया है. कौन इधर साइड का? boiler साइड का pressure. boiler का जो pressure है आप यहाँ पे देख सकते हैं, this is the constant pressure line. boiler का pressure मैंने increase कर दिया. तो बॉयलर का जब प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो तो यू कैन सी फ्रॉम बोथ, यू कैन कंपेयर द प्रोसेस 2-3 डैश एंड 2-3 इन विच हीट एडिशन इज मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इज मोर. यू कैन सी फ्रॉम हियर एवरीवेयर द टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस 2-3 डैश इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ 2-3 एट ईच एंड एवरी पॉइंट. यू कैन सी हियर द टेम्परेचर ऑफ 2 इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ 2 डैश ईच एंड एवरी पॉइंट. द टेम्परेचर एट द हायर प्रेशर इज मोर देन द टेम्परेचर एट द लोअर प्रेशर. सो द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज, वेयर हैज नो इफेक्ट इन द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन बिकॉज टेम्परेचर इज द कॉन्स्टेंट. ठीक है, इन बोथ केसेस. सो द मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इज इंक्रीज बाई इंक्रीजिंग द कंडेंसर प्रेशर एंड हेंस इफिशियंसी इंक्रीज. ठीक है, तो यहां पे पहला जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भाई अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो इफिशियंसी इंक्रीज होती है.
इसीलिए आजकल हाई प्रेशर बॉयलर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है, इंक्रीजिंग इन द प्रेशर ऑफ द बॉयलर का जो एडवांटेज है वो तो आपने समझ लिया भाई कि इसका जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। बट देयर इज सम डिसएडवांटेज, आपको क्लियरली यहां पे दिख रहा होगा जो एक्सपेंशन हो रहा है बेसिक और बेसिक एंड दिस इज द बेसिक 3-4 एंड दिस इज द इंक्रीज प्रेशर साइकिल 3-4। ड्यूरिंग द एक्सपेंशन देखिए एग्जिट ऑफ द टर्बाइन में यहां पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है या यहां पर ज्यादा है, तो आप देखिए बेसिक वाली जो साइकिल है वहां पर मॉइस्चर कंटेंट कम है और जो आपकी इंक्रीज प्रेशर रैंकाइन साइकिल है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। तो मैं यहां पर लिखूंगा एक्स फोर एट बेसिक, या मैं यहां पे सीधे लिख देता हूं एक्स फोर इज ग्रेटर देन एक्स फोर डैश। दिस इज द बेसिकली एक्सपेंशन, वी गेट 4 पॉइंट बाय द एक्सपेंशन फ्रॉम द 3-4 एंड 3-4 इज द बेसिकली इंक्रीज प्रेशर साइकिल, ओके। तो ये जो यहां पे आप कंपेयर करके देख सकते हो कि भाई जो बेसिक साइकिल में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो 3-4 हो रहा है, और आफ्टर इंक्रीजिंग इफ वी इंक्रीज द प्रेशर एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट देन आफ्टर एक्सपेंशन द मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीजेस।